एक बार फिर से आप सभी का देखिए हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन इंस्टा मुझे इस मंच पर। मैं प्रकाश आगे आप सभी के देखना भारी डिमांड पर आज अपने साथ देखो लेकर उपस्थित हूं मिस्टर मुकेश जी को, जो कि आपको जो रीट की स्ट्रेटेजी है वो बताने जा रहे हैं। अब आपने ये तो देखो बहुत जगह सुना होगा, देखा होगा कि रीट की स्ट्रेटेजी टीचर्स के द्वारा, लेकिन आज इस यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इस इंस्टा गुरु जी के मंच पर आप लोग एक विचित्र चीज देखो देखने वाले हैं। क्या रीट की स्ट्रेटेजी एक रीट के एस्पिरेंट के साथ? आप सभी ने देखो जो टाइटल देखा होगा उसी टाइटल से देखो ओतप्रोत हो जाइए और सभी मुकेश जी के साथ देखो हम लोग जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मुकेश जी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस मंच पर कि आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए और अपनी जो एक विशाल आपका जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर आप देखो सभी विद्यार्थियों को गाइड करने जा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस मंच पर अवसर देने के लिए, ताकि मैं विद्यार्थियों को अपना अनुभव साझा कर सकूं और जिससे उनकी रेट की तैयारी में हेल्प हो सके और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बिल्कुल, देखिए सर ने शुभकामनाओं के साथ आज शुरुआत की है, तो देखो जब शुरुआत ही शुभकामनाओं के साथ हुई है तो इस वीडियो के अंत तक आते आते आपको इतनी सारी कामनाएं मिलेंगी जिनको शुभ बनाना आप सबके हाथ में होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सर की जो बातें होंगी उनको इतना गहराई से आप समझेंगे और जब उनका एनालिसिस करके आप स्वयं उनका निचोड़ जब निकालेंगे तो आप स्वयं कहेंगे हाँ भाई ये जो बातें हैं ये हमारे जीवन को देखो बदलने वाली बातें हैं, ये जो बातें इनसे हमारे जीवन को और हमारे घर वालों के जीवन को एकदम पूरी तरीके से देखो बदलने वाले हैं। ठीक है, तो मुकेश जी आपके लिए कुछ सवाल है मेरे पास, चूंकि मेरे पास YouTube के दर्शकों की ओर से ही है। बिल्कुल, ये देखो ना जो सवाल है जो कि मैं लेकर आया हूँ आप ही में से कईयों ने विद्यार्थियों ने पूछे थे और इन्हीं सवालों के जो जवाब है वो आज मुकेश जी से मैं बैक टू बैक देखो लेने वाला हूँ। प्रश्नों की जो बौछार है वो मुकेश जी आपके ऊपर आज देखो होने वाली है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मुकेश जी मेरा आपसे कि आपको खुद को इस रीट की तैयारी करते हुए कितना समय हो चुका है? मेरे खुद को रीट की तैयारी करते हुए लगभग 13 महीने हो चुके हैं। 13 महीने, तो मतलब ये मान के चले 13 महीने, जैसे 1 जनवरी ये हो गया, तो मैं क्या ये मानूं कि जनवरी 2020 से आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? बिल्कुल। तो देखना 13 महीनों का एक मैं कहना चाहूंगा वो अनुभव नहीं कह रहा मैं जो 4-5 साल से 4-5 बार से जो लोग लगे हुए होते हैं 10-10 सालों से लगे होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। दैट इज नॉट सुटेबल फॉर यू बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर वन सीट एंड यू हैव टू अचीव दैट सीट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो मुकेश जी का ये पहला, इससे पहले आपने कभी रीट का एग्जाम अटेम्प्ट किया है? नहीं किया। ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने देखो पिछले अपने 13 महीनों का जो अनुभव है वो क्या कैसे आपने प्राप्त किया उसके बारे में हम देखो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो कि विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी करें इस वक्त उनके लिए काफी ज्यादा देखो रुचिकर भी होंगे, मनोरम भी होंगे और एक जीवन परिवर्तन करने वाले जो प्रश्न है वो होंगे और आपके जो जवाब और निश्चित तौर पर उनका जीवन है वो परिवर्तन करेंगे। आपसे जो दूसरा सवाल है मेरा वो ये कि इतने समय के अनुभव के आधार पर आप इस रीट की परीक्षा को कैसे आंकते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, रीट की परीक्षा को आप कैसे आंकते हैं? अपने शब्दों में आप बताएं, अपने विचार अनुसार आप बताएं। देखो इस अनुभव के आधार पर रीट है वो इतनी कठिन परीक्षा नहीं है जितना अफवाह बनाया जाता है कोचिंगों में और में इतने गाइडें आती है मार्केट में कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े कन्फ्यूजन होता है, तो बस जरूरत है सही रणनीति की, खुद पे विश्वास रखने की और कंटिन्यूटी, इसके बाद आप रीट क्या बड़े से बड़ा एग्जाम भी क्रैक कर दोगे। बिल्कुल सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण देखो बात बताई है कि बिना भी आपकी रुचि के, बिना आपके आत्मविश्वास के और बिना आपकी मेहनत के दुनिया का हर एग्जाम देखो हार्ड होता है, लेकिन जैसा सर ने बताया बड़े से बड़ा एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हो यदि आपके पास ये तीनों चीजें आपके व्यवहार में है और आप निरंतर अपने आप को निखारने हेतु निरंतर प्रयास करते रहते हैं। सर मेरा तीसरा जो सवाल है वो आपसे ये होगा, क्या आप अपने आप को, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है देखना ये एक तरह से आप कहेंगे कटाक्ष करने वाला सवाल है आपके ऊपर ये जो सवाल आ रहा है, सर आप मुझे बताएं क्या आप अपने आप को इस काबिल मानते हैं कि आप ये सोचते हैं कि ये जो रीट का एग्जाम होगा इसको मैं इतने अच्छे से दूंगा कि जो थर्ड ग्रेड जो तृतीय श्रेणी जो हमारी भर्ती परीक्षा है इसमें आप अपने आप को उत्तीर्ण पाएंगे, तो क्या आप अपने आप को इस काबिल मानते हैं और मानते हैं तो क्यों मानते हैं आप बताएं। बिल्कुल, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब आप तैयारी कर लेते हो फिर आप मॉडल पेपर्स वगैरह देते हो टेस्ट सीरीज देते हो तो आपका जो स्कोर होता है उसको देख के आपको खुद को पता चल जाता है, खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने इतना कर लिया है मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ इतना मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है और धीरे धीरे आपकी अच्छी रैंक आने लगती है तो खुद में विश्वास आ जाता है कि हाँ मैं इसको निकाल लूंगा आसानी। तो मतलब आपके अंदर ये आत्मविश्वास है कि निश्चित तौर पर ये जो रीट का एग्जाम होने वाला है इसमें मेरी जो मेरा जो प्रदर्शन है वो इस प्रकार का होगा कि जो तृतीय श्रेणी भर्ती होगी इसमें आप अपने आप को सफल या चयनित पाएंगे। तो सर आपसे ये जो मेरा अगला सवाल इसी से चलो जोड़ के आपसे पूछता हूँ, ये जो मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेशन जिसको हम कह सकते हैं जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जो डेवलप करने के लिए जो मोटिवेशन आपका काम करता है, आखिर मोटिवेशन आता कहाँ से है? ये मोटिवेशन मतलब इस चीज से आता है कि
भाई क्यों करना है, रेट का एग्जाम क्यों देना है, क्यों मतलब टीचर बनना है, आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, आप जो सोसाइटी के लिए करना चाहते हो उसमें क्या चेंज आएगा, और यदि आप नहीं बन पाए तो फिर 2 साल बाद 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। बिल्कुल। तो सर ने ये जो बात कही इसमें देखो तो छुपी हुई गहराई को थोड़ा मैं ब्रॉडली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सर ने कहा कि आप एक बार सोच के चलिए, मान के चलते हैं आज आप तैयारी कर रहे हैं, 2 साल बाद यदि दो केस यहां पे बनेंगे, 2 साल बाद क्या स्थिति होगी यदि आप अध्यापक बन चुके, और दूसरा यदि आप अध्यापक भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन आप नहीं बने, तो आप इस बात को एक बार थोड़ा सा कंपैरेटिवली अपने मस्तिष्क के अंदर ही देखो, इसको संज्ञानात्मक विकास के तौर पर आप इसको लेके सोचें और समझने का देखो प्रयास करें। 2 साल बाद यदि आप शिक्षक बन जाते, आज अगर आप शिक्षक बनते हैं तो 2 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा, और यदि आप नहीं बनते हैं तो अगले 2 साल बाद आपका शिक्षक जो आपका जीवन है वो कैसा होगा। क्या सर मैं सही, आपके जो विचार है उनको मैं सही ढंग से प्रेषित कर पा रहा हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो सर आपसे जो अगला मेरा प्रश्न है वो ये होने वाला है कि ये जो कुछ भ्रांतियां कुछ विद्यार्थी मन में होती है कि भाई मैंने तो इसी वर्ष बीएड की है, बीएसटीसी में इसी वर्ष हुई है, लेकिन लाखों विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो कि सालों से निरंतर देखो प्रयास करते हुए चले आ रहे हैं, तो क्या उनसे मैं अपने आप को कम्पीट कर पाऊंगा, क्या मैं उनको डिफीट करके अपने आप का सिलेक्शन जो है वो ले पाऊंगा? बिल्कुल, लाखों विद्यार्थी हर बार ऐसे ही होते हैं और कोई भी कॉम्पिटिशन हो, बट कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पहली बार में सिलेक्शन ले लेते हैं और इवन इंडियाज टफेस्ट एग्जाम आईएएस को भी टॉप कर जाते हैं ग्रेजुएशन के साथ, और बट कुछ होते हैं तो 5-5, 6-6 साल में भी नहीं होता उनका और अंत में नहीं भी होता, तो आपको किन में से आना है ये आपको सोचना है। सर ने बहुत ही गहरी बात बताई है कि आप पहले अटेम्प्ट में भी दुनिया जो आपके इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम जिसको आईएएस हम लोग कहते हैं उसको भी आप क्रैक कर सकते हो, यू कैन इवन क्रैक आईएएस एग्जाम, तो रीड तो आपके लिए है क्या। तो सर आगे जो सवाल मेरा अगला जो सवाल है आपसे, क्योंकि मैं दर्शकों को ज्यादा समय जो वो नहीं लेना चाहता, इसलिए फटाफट बैक टू बैक आपसे सवालों का जो विचार है वो करना चाहूंगा। सर मेरा ये सवाल है, यदि आज मैंने रीट के एग्जाम की तैयारी शुरू की है, एक बार मान सकता हूं मैंने आज से शुरुआत की है, तो अब क्या मैं अपने आप को ये दिलासा दे सकता हूं कि मैं इस 25 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है तो इस 3 महीने या 3 महीने से भी कम समय के अंदर अपने आप को इस लाइक बना लूंगा कि उस एग्जाम को मैं क्रैक इतने अच्छे तरीके से कर लूं ताकि मैं चयनित हो पाऊं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट अब आपके पास सही रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखो तो सर ने यहाँ पे एक बात कही आपको कि आपके पास भले समय कम है फिर भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। कैसे हैं? सर ने बताया आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना पड़ेगा, देखो बिना हार्ड वर्क के दुनिया की कोई सक्सेस आपको नहीं मिल सकती। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात सर ने कही स्मार्ट वर्क, वो आपको करना पड़ेगा। सर जो वर्ड आपने कहा स्मार्ट वर्क, इसको आप थोड़ा डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार से बच्चे जो स्मार्ट वर्क वो कर सकते हैं? देखो रीट के अंदर जब आप सिलेबस देखोगे रीट का, तो काफी कुछ मैटर आपको ऐसा मिलेगा जो आपने पहले कहीं ना कहीं कॉलेज में स्कूल में पढ़ रखा है, मैथ हो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी सब्जेक्ट हो, आधा मैटर आपको ऐसा मिलेगा जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है और उसको आप नॉर्मली प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से या फिर मॉडल पेपर के माध्यम से जैसे भी आप अटेम्प्ट करते हो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा कैसा है। यदि अच्छा है तो आप दूसरे सेक्शन पे शिक्षण विधियाँ और साइकोलॉजी उस पे मैं फोकस कर सकते हो, और उसके अंदर भी बहुत से टॉपिक है जैसे मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है, शिक्षण विधियाँ हैं, ये लगभग सारे में है और कॉमन है, तो इसको एक बार एक ही जगह से पढ़ो, इतना अच्छा पढ़ो कि फिर कोई से भी पार्ट में आपके इनसे क्वेश्चन आए आप सही कर दो, क्योंकि है लगभग सेम सा, तो बार बार पढ़ने से बजाय एक बार ढंग से पढ़ लो। तो बिल्कुल, तो स्मार्ट वर्क का मतलब सर ने अभी बताया। अभी चलते हैं सर, अगला जो प्रश्न है आपसे वो मेरा ये है कि आपके अनुसार जो अभी भी रीट की तैयारी करना प्रारंभ करेंगे बच्चे, उनके लिए सही समय चक्र क्या होना चाहिए, क्योंकि समय चक्र बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करता है। सर बताएं समय चक्र अब तो पीक टाइम चल रहा है रीट के लिए, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा आपको, अब बीच बीच में थोड़ा गैप ले सकते हो बट पढ़ाई तो ऐसा मान लो कि करनी ही पड़ेगी पूरे दिन, जिसमें आपको सोने खाने पीने के अलावा बाकी आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इतना ही टाइम है तो करना पड़ेगा। गर्म हथौड़ा है, अब 2-3 महीने चोट मार दो तो अगर आपने इस समय ये जो सही समय है चोट मारने का, अगर आपने इस बार चोट मार दी तो आपका जो लोहा था उसको आप सिक्का बना सकते हो, अन्यथा वो जो लोहा है फिर वो लोहा ही बन के रह जाएगा। तो सर अंतिम प्रश्न देखो मेरा आपका आज ये होगा,
प्रश्न तो इसको नहीं कहूंगा, बल्कि आपसे मैं एक रिक्वेस्ट एक गुजारिश करूंगा कि जो भी दर्शक आपको और मुझे देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या अंत में कुछ अपने विचार देना चाहेंगे, क्या उनके लिए गाइडेंस आप देना चाहेंगे, या क्या आप उनको प्रेरित करने हेतु या प्रेरित उनको रहने हेतु आप क्या उनको बताना चाहेंगे सर प्लीज? मैं एक मोटिवेशन कोट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी, बशर्ते आप उसे नियमित करते रहें। क्या बात है, शाबाश भाई, खतरनाक वाला ये जो, अगर आप इसको ध्यान से इसकी गहराई को देखो, अगर आप समझने का प्रयास करें तो बहुत ही एक दबी हुई छुपी हुई जो बात है इसके अंदर वो निकल कर आती है। सर ये जो छुपी हुई बात थी मैं चाहूंगा इसको भी आप अपने शब्दों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, मतलब ये 2-3 महीने हैं नियमित बनाने का, मतलब कंटिन्यू करते रहें और खुद पे विश्वास रखते हुए कि हाँ मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, हो जाएगा। और हार्डवर्क तो अब देखो करना ही है, टाइम ही है इसी चीज़ का है, ये अब इतना समय नहीं है कि हम नियमित 3-4 घंटे पढ़ के भी कर लेंगे, क्योंकि वो तो तब होता जब 1 साल पढ़ा है बीएड बीएसटीसी के साथ कर रहे हैं, वो तो फिर भी है, बट अपने पास टाइम कम है तो अपने को एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। लेने की बात ये कि अब आपको देखो तपना पड़ेगा, और जितना आप लोग तप के अपने आप को देखो इसके काबिल बनाएंगे, इसके साथ आप अपना समायोजन जितना अच्छे तरीके से, जितना विशाल तरीके से, जितना प्रगाढ़ तरीके से आप लोग स्थापित कर लेंगे, उतना ही जो लाभ है वो आपको इस आगामी रीट जो आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए जो परीक्षा होती है, एंट्रेंस तो इसको नहीं कहूंगा, जो एक तरह से अपन कहें कि एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, वो आप अच्छे ढंग से अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण कर पाए। ठीक है, तो आप सभी का देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे, और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बहुमूल्य जो जानकारी आपने अनुभव के आधार पर आपने सभी विद्यार्थियों को यहाँ प्रेषित करी है। यदि अगर विद्यार्थी आपसे चाहे, मैं आपसे देखो एक रिक्वेस्ट विद्यार्थियों के सामने करना चाहूंगा, यदि इन फ्यूचर विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं हमें मुकेश जी से कुछ और भी सलाहें लेनी है, तो क्या आप यहाँ आकर फिर से विद्यार्थियों के लिए अपना जो समय है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर, और ये बहुमूल्य जो हिस्सा जिसको मैं कहना चाहूंगा वो आप विद्यार्थियों के लिए आप यदि निकाल कर आना चाहें तो सर आपका स्वागत होगा। तो क्या मैं आपसे विद्यार्थियों के सामने हामी भरवाना चाहता हूँ कि क्या आप आएंगे? बिल्कुल, विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल। देखो सर ने क्या कहा, अपना जो डेडिकेशन है उसको आपके लिए देखो यहाँ पर जाहिर किया है कि यदि जरूरत पड़ी और विद्यार्थियों ने डिमांड की तो मैं निश्चित तौर पर अपना जो अनुभव है आप सभी विद्यार्थियों को निछावर करने के लिए हरदम तत्पर हूँ, तैयार हूँ। तो सर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दर्शकों का भी देखो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखो ये जो सुझाव अपने देने हैं कि सर के विचार आपके लिए कैसे रहे और आप सर के विचारों किस प्रकार से आंकते हैं, क्या आपको इस प्रकार की और भी वीडियो जो है वो इस मंच पर चाहिए, तो ये सारी बातें जो आप मुझे कमेंट के माध्यम से देखो बता सकते हैं। आप सभी का देखो बहुत बहुत आभार, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।